करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। देश का सबसे बड़ा राज्य और उत्तर प्रदेश की सियासी कहानी, ऐसा लगता है कि ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं जो कि देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश चुनाव के जो नतीजे निकल कर आए हैं उसमें अखिलेश यादव की साइकिल यानी कि समाजवादी पार्टी थोड़ी पिछड़ गई और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। कैसे ये यूपी में काबा से बाबा की कहानी लिखी गई और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने योगी और मोदी की जोड़ी के साथ में ये जीत को यहाँ पर एक झंडे के तौर पर लहराया है और समाजवादी पार्टी की रणनीति में कहाँ चूक हो गई, दोनों ही सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और सह मीडिया प्रभारी श्री दीपक जैन। टीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी की आवाज़ उठाने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बंते यादव जी मौजूद रहेंगे। बंते जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि दोनों ही राजनेता प्रमुख राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों में प्रमुख चेहरे माने जाते हैं, ऐसे में जीत चूंकि कमल की ओर बढ़ चली है, ऐसे में पहले भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जानते हैं। जैन साहब, क्या मानते हैं, क्या वाकई में माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके अब दोबारा बनने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो जोड़ी है उसका कमाल उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भैया, सबसे पहले आपका। आज का जो ऐतिहासिक दिन है वो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित किया है। जिस प्रचंड बहुमत के साथ आज देश के चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है वो एक अपने आप में ऐतिहासिक दिन को आज बनाती है कि जहां पर दूसरी बार फिर हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास और विकास के साथ जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में, ये उसी का परिणाम है कि जनता ने दोबारा हमें वहां पर स्वीकार किया है और प्रचंड बहुमत के साथ हमें वहां पर जिताया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने ये जो लड़ाई वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं लड़ी, ये संस्कार, संस्कृति और धर्म को बचाने की लड़ाई थी जो कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकार की और वहां पे जितने राजनीतिक दल थे उनको नकार के फिर से एक बार विकास की ओर और एक सुसमृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने की जो परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की थी उसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का फिर से साथ दिया है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये साथ मिला और क्या यूपी में साइकिल की जो रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी या रणनीति में कहीं कोई चूक थी? अखिलेश यादव एक युवा और संभावनाओं भरा चेहरा है लेकिन कहाँ पर पिछड़ गए? बंते यादव जी हैं जो कि लगातार मुलायम सिंह जी के भी करीबी माने जाते हैं और अखिलेश सिंह यादव के कंधों से कंधे मिलाकर वो लगातार समाजवादी पार्टी का झंडा एमपी में बुलंद करते हैं। यादव जी क्या मानते हैं, सपा के नेता हैं लेकिन आपकी पार्टी को यहाँ पर जो शिकस्त का सामना करना पड़ा? महेंद्र भैया, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी खूब अच्छा चुनाव लड़ी है, उसमें कोई चीज़ में कमी नहीं रही। अकेला नेता हमारा अखिलेश यादव युवा चेहरा है इस देश में, वो अकेला मोदी जी से, अमित शाह से, पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश भर के इनके मुख्यमंत्रियों से अकेला आदमी चुनाव लड़ा है और उसने बड़ी हिम्मत के साथ चुनाव लड़ा। चुनाव में हार जीत होती है, हार गए हम, उस हार को स्वीकार करते हैं, बहुत ताकत से स्वीकार करते हैं। अगली बार फिर देखेंगे, 27 में फिर चुनाव होंगे, जब देखेंगे क्या हार को स्वीकार करते हैं। कहीं रणनीति आपको लगा कि और कुछ बदलाव तब्दीली करना थी, क्योंकि कई नेता तो आप इनकी पार्टी से तोड़कर ले आए थे? नहीं, इनकी पार्टी तोड़ के लेकर नहीं आए थे, खुद चले आए थे, उसके लिए हम क्या करें। हमारी पार्टी के कई नेता चले गए तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा नेता ने खूब अच्छा चुनाव लड़ा है, बहुत ताकत से लड़ा है। 44 सीट से आज 134 सीटों पे जाके टिका है, ऐसे जैसे जिस प्रकार ये बंगाल में बोलते थे ये 44 सीट पे अटक गए, तो देश में होता है, हार जीत सब दूर होती है। दीपक जी, यहाँ पर मुझे एक जो पुरानी कहावत याद आ रही है और जो पिछले दिनों राजनीतिक जुमला भी चला कि यूपी में काबा, और आपकी तरफ से जवाब आया कि यूपी में बाबा, तो क्या ये जो बाबा है ये बाबा का जादू है या बाबा का टेरर भी जो है यूपी में यहाँ पर काम करता आपको दिखाई दिया? देखिए, टेरर जरूर दिखा है वहाँ पर, लेकिन टेरर आतंक और भय को मिटाने के लिए है। जिस प्रकार का आतंक का माहौल और भय का माहौल ये योगी सरकार के पहले था, चाहे वो सपा की रही हो, बसपा की रही हो, उस आतंक को खत्म करने का काम योगी जी ने किया है। जिस स्वच्छंदता के साथ, जिस
एक अच्छे भाव के साथ आज महिलाएं वहां पर निकल करके काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ये उसी का प्रभाव है। और महिलाओं ने और युवाओं ने जो भारतीय जनता पार्टी का इस बार साथ दिया, निश्चित रूप से ये पूरी जीत महिलाओं और युवाओं के कंधे पर इस बार टिकी थी। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीतियों को, नीतियों को, उनकी योजनाओं को, विकास के कार्यों को स्वीकार किया। और आज उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद मुझे लग रहा है कि फिर से कोई अगर मुख्यमंत्री है तो वो दूसरी बार अगर रिपीट कभी हुए हैं तो नारायण दत्त तिवारी के बाद आदित्य योगी नाथ हमारे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात, चलिए बड़ी बात है, ये दोबारा रिपीट करने वाली जो पारी है, कहा जाता है जो दूसरी इनिंग होती है वो राजनीति हो या क्रिकेट का मैच हो वो बड़ी दिलचस्प हो जाती है। तो ऐसे में अब ये देखना बहुत लाजमी हो जाएगा कि इस बड़ी और प्रचंड जीत के बाद अब योगी सरकार का अगला रुख क्या होगा। यहाँ पर जरूर अखिलेश सिंह यादव की रणनीति का कमाल नहीं दिखा, लेकिन अखिलेश ने मैदान नहीं छोड़ा। ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो है लोकतंत्र की परिभाषा को भी उकेरती है, परिपूर्णता देती है कि जिस भी राज्य में यदि विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ता पक्ष को भी कहीं ना कहीं अपने कामों का लेखा जोखा जो है वो समय समय पर जनता के समक्ष रखना पड़ता है। बंते यादव जी, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपकी पृष्ठभूमि हालांकि जरूर जो है पहले कांग्रेस से जुड़ी रही, जब से आप अखिलेश सिंह यादव के नज़दीकी हुए क्या आपने महसूस किया कि अखिलेश सिंह यादव एक नज़रिया रखते थे और उत्तर प्रदेश में जो विकास का मॉडल वो लगातार लाने की बात जो है चुनाव के मैनिफेस्टो में भी कर रहे थे, उसको जनता ने नकारा है या स्वीकार करने में कोई कंजूसी दिखाई है, क्या मानते हैं आप? देखो, जनता का मूड था इस चुनाव में, हम उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। हमारे नेता ने बहुत मेहनत करी, पूरे सबको साथ लेकर चला, जितने लोग थे सबको साथ लेकर चले। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बात करती है कि हम स्वच्छ और साफ छवि के लोगों को ही चुनाव लड़ाएंगे, 40% दागी चेहरे भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़े हैं, जिनके ऊपर हत्याओं के केस हैं, बलात्कारों के केस हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं। सच्चाई है क्या? बिल्कुल, मैं इस बात को नकारता हूं, लेकिन जो देशद्रोह का काम करते हैं वैसे लोगों को अगर सपा ने चुनाव लड़ाया तो वो भी पूरा देश देख रहा है। जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, जिन्होंने राष्ट्र को चोट पहुंचाने का काम किया, उन विचार देने वाले लोगों को समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें एक सिरे से नकार दिया, परिवारवाद को एक सिरे से नकार दिया। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी अन्य दल हो, जो परिवारवाद पे चला था उन्होंने, जनता को मालूम है कि परिवारवाद नहीं काम करेगा यहाँ पर, जो सालों से एक परिवारवाद के भाव को लेकर काम कर रहे हैं उन्हें नकारने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। परिवारवाद रहा सपा में? अब इनके कहते परिवार ही नहीं है तो हम क्या करें यार, उसमें बात परिवार वहाँ पर उत्कृष्टता को स्थान है। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी में उत्कृष्टता को, उसमें कोई अखिलेश यादव उत्कृष्ट कार्य करने वालों का स्थान है भारतीय जनता पार्टी में, परिवार में काम करने वालों का स्थान नहीं है। वो चुनाव जीत कर आते हैं कोई बूथ के, एक ही परिवार के सरपंच से लेकर के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री भी बन गए। 35-40 लोग एक ही परिवार से हैं, बजाय किसी आम जनता को, समाजवादी पार्टी के आम कार्यकर्ता को उन्होंने कभी चुनाव लड़ाने का प्रयास नहीं किया। और परिवार से ही सांसद, विधायक, मंत्री, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, सभी लोग ना भैया मेरी बात सुनो, वो चुनके ही आए ना, पब्लिक ने चुना। तो आप चाहते तो समाजवादी पार्टी के करके तो नहीं बने, लेकिन आप चाहते तो समाजवादी सामान्य कार्यकर्ता को लड़ाते। चलिए, बहुत बड़ा एक बहस का विषय है। बहरहाल परिवारवाद एक अलग चैप्टर है सियासत का, एक अलग अध्याय है। तो हिंदुस्तान के लोगों को खुश होना चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा परिवार राजनीति का। हमारी शुभकामनाएं उनके परिवार को। चलिए, बहुत बड़ी बात है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है ऐसा दावा है समाजवादी पार्टी के नेता श्री बंते यादव जी का। लेकिन एक मूल मुद्दा मुझे लगता है उस पर भी थोड़ा विचार और मंथन की जरूरत है। जैन साहब, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि राम मंदिर का निर्माण जो भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार ने शुरू कर दिया है, और काशी कॉरिडोर को जो आपने संवारा है, क्या लगता है उसके रिपोर्ट कार्ड में पूरे पूरे नंबर जनता ने चुनाव नतीजों में आपको दिए हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक आम जनता की आस्था की केंद्र है राम मंदिर। भगवान राम एक आस्था है और एक भारत का अस्तित्व है, उस अस्तित्व को, उस राम मंदिर को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये उसी का परिणाम है कि जनता में ये विश्वास है कि जो पार्टी कहती है वो करती है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, या 3 तलाक को ख़त्म करने के मुद्दा हो। इस बार
बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम बहनों ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है। यादव जी क्या कहेंगे आप अगली बार? राम मंदिर का ताला स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उनने खुलवाया था। जो पार्टी राम के अस्तित्व को नकारती है, जो पार्टी राम के अस्तित्व पर उंगली उठाती है, जो पार्टी राम सेतु के अस्तित्व को उठाती है, वो राम को मानती है। राम के नाम पे लूट रहे हो, लूटी रहे। आपने राम के, आपके पार्टी के नेताओं ने, जिसमें आप पहले थे, आपने कांग्रेस में पहले थे, वहां पर राम के अस्तित्व को उंगली उठाई गई। समाजवादी पार्टी की सरकार सालों से वहां पर है। समाजवादी पार्टी की सरकार, उसका जवाब समाजवादी पार्टी की सरकार ने लंबे समय यूपी में सत्ता चलाई है, लेकिन कभी भी राम भगवान के उस मंदिर को बनाने की कभी उन्होंने चिंता नहीं की। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। वो चंदा कहाँ गया? राम मंदिर बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को कई बार जनता ने चुना है। भाव बढ़े और इनके लोगों ने वहाँ जमीनें खरीद के, नेताजी नेताजी समाजवादी पार्टी कई बार उत्तर प्रदेश सत्ता में रही है, लेकिन कभी भी राम मंदिर का अगर उनकी आस्था होती राम भगवान के प्रति तो मंदिर बनाने की शुरुआत करती। ये कोर्ट के आदेश है, आपके आदेश से, लेकिन कोर्ट का आदेश भी लड़ा गया है, ताकत के साथ लड़ा गया है और सत्यता के आधार पर कि भगवान राम का जन्म जिस जन्म स्थान पर, जिस जन्म स्थान पर लोगों ने उंगलियां उठाई, आपकी पार्टी ने उंगली उठाई, कोर्ट ने उसको आदेश दिया कि यही भगवान का जन्म हुआ और वही राम मंदिर बना। राम मंदिर के, राम जी के हम भी भगत है भैया, ऐसा थोड़ी कि हम राम के भगत नहीं है। राम जी का जो नाम है जुबान पर आते ही विवाद नहीं बल्कि संवाद होना चाहिए। और मुझे लगता है राम मंदिर मुद्दा अब जो है एक तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि आस्था श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। अब मंदिर निर्माण भी शुरू हो चुका है, काशी भी संवर चुका है, लेकिन अब अगली बारी क्या मथुरा की है ये हमें आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ बताएंगे। मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और हमने यहाँ पर कोशिश की कि कांग्रेस तो यहाँ पर खेल से बाहर ही नजर आई, मैदान छोड़ चुकी थी कांग्रेस पहले ही। प्रियंका गांधी का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये नारा भी काम नहीं किया, लेकिन अखिलेश यादव का पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिकल मैनेजमेंट जरूर इस चुनाव में दिखाई दिया, जो कि सपा की सीटों को बढ़ाता है, लेकिन यूपी में योगी जी का जलवा है ये भी चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया। दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे बंते यादव जी, जो कि अखिलेश सिंह यादव जी की पार्टी यानी कि सपा से आते हैं। हमारे साथ जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी के युवा और तेज तर्रार नेता दीपक जैन टीनू जी। लगातार बने रहिएगा एमपी न्यूज पर, इसी तरह से यूपी से लेकर देश और प्रदेश की हर सियासी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।